नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। फोटोशॉप के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था इरेजर टूल, और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैजिक इरेजर टूल। उसके बाद हम लोग सीखेंगे बैक ग्राउंड इरेजर टूल। पहले इसको सीख लेंगे तब इसको सीखने में ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा दोस्तों, और अच्छा से हम लोग समझेंगे। तो चलिए सीखते हैं मैजिक इरेजर टूल। तो मैजिक इरेजर, अगर आप इरेजर टूल का वीडियो नहीं देखें दोस्तों तो वीडियो आप देख लीजिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा दोस्तों। तो मैजिक इरेजर टूल पर मैंने क्लिक किया। आज मैं इस वीडियो को इस टूल के बारे में बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट मैं ई बार आपको बताऊंगा। तो मैजिक इरेजर टूल पर मैंने क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैजिक इरेजर टूल आ गया। ऊपर इसका आपका कुछ प्रॉपर्टी आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आपका टॉलरेंस, इस पर मैंने आपको रखता हूँ 5, ठीक है, 5 मैंने रखा। और ये करता क्या है दोस्तों मैजिक इरेजर टूल, ये एक बार जब क्लिक कीजिएगा तो सिमिलर कलर यानी कि उसके साथ जो कलर होगा एक ही कलर को जल्दी ये रिमूव करता है। तो जैसे मैं इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आपको आपको रिमूव किया, लेकिन इतना ही किया, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं बार बार क्लिक करूँगा तब ये रिमूव करेगा, ठीक है, करते जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, कंट्रोल में जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल में जेड कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका टॉलरेंस अगर मैं बढ़ा देता हूँ, मैं इसको मैं 20 कर दिया, जब एक बार क्लिक किया तो देखिए कितना ज़्यादा रिमूव किया, ठीक है दोस्तों। अगर इसको फिर मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड करने के बाद अगर हम फिर इसको अभी 20 है, इसको हम 40 कर देते हैं, उसके बाद क्लिक कर देते हैं तो देखिए ज़्यादा रिमूव किया। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको इसको आप बढ़ा सकते हैं आपके इच्छा अनुसार, कहीं बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, आपको इच्छा अनुसार कि कितना आप चाहते हैं। और इस पर क्लिक करते जाइएगा, आपको इरेजर आपको कर देगा, ठीक है दोस्तों। आप इसे कंट्रोल जेड में कर देता हूँ, तो इसके बारे में आप लोग समझ गए। एंटी एलियास क्या है मैं आपको बताता हूँ, अभी इसमें टिक लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक किया, अब इसका एजेस मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जूम कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस से मैं जूम कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको पर यहाँ पर आ जाइए, इस पर मैं जूम करके आपको मैं दिखला रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर इसका जो इरेज किया, इसका यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ब्लर टाइप का आपको दिखलाई दे रहा है, जैसे आपको कैसे ब्रश का कटिंग होता है तो वो कटिंग कैसे हम लोग फीदर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको इस तरह से आपको दिखाई देता है। अब मैं इसको हटा देता हूँ और कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, और वापस हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया और फिर इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैं इसको मैं आपको मैं बता रहा हूँ, अब यहाँ पर इसका देखिए कटिंग देखिए स्पष्ट ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये काटा हुआ है। अगर ये एंटी एलियास पर क्लिक करके आप करते थे, यहाँ पर आपको सॉफ्टनेट या आपको कुछ ब्लर टाइप का दिखाई देता जैसे का फिदर करते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इसको हमेशा चेक रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आने के बाद हम लोग आते हैं, ये क्या है कंटिन्यू, ये क्या करता है। अभी मैं यहाँ पर टिक लगा हुआ है और इसको मैं यहाँ पर मैंने क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं क्लिक किया तो इसको रिमूव किया, ठीक है। आप देखिएगा इसको मैंने टिक हटा दिया और फिर इस पर मैं क्लिक किया तो ये आपको ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इस पर टिक लगा लगा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया तो सिर्फ इसी फ्लावर को मतलब इसी फूल को उसने रिमूव किया। अगर मैंने यहाँ पर टिक हटा के क्लिक करता हूँ तो यहाँ जहाँ जहाँ पर रेड है सभी को इसमें रिमूव कर दिया, समझ गए होंगे। तो इसके अनुसार आप देख लीजिए कि कैसा इसका उपयोग करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिंपल ऑल लेयर, मैं पिछली वीडियो में आपको बनाया कि ये ऑल लेयर, अगर आप बहुत सारे लेयर उपयोग करते हैं तो इसको आपको टिक लगा के रखिएगा। ओपेसिटी क्या करता है, कम बेसी ज़्यादा करता है आपको, मैं आपको पिछले में बताता हूँ। देखने के लिए देखिए मैं 50 किया तो ये हल्का नज़र आ रहा है, और जैसे इसको मैं 100 करता हूँ, 100 का करता हूँ, देखिए आपको कितना, तो समझ गए होंगे। अब मैं
इसका काम बता देता हूँ, इसका काम कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो जैसे कि मैं आपको एक काम बता रहा हूँ, जैसे कि मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए और इस बैकग्राउंड को हमको जल्दी सा रिमूव करना है। अगर एक कलर का होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे ये बैकग्राउंड आपको रिमूव हो गया, यानी कि एक कलर का ही बहुत अच्छा उपयोग करता है। यहाँ पर कोई अदर बैकग्राउंड आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। या फिर आपको रिमूव करके कहीं और जगह इसको लेके जाना है कोई और पेज में, तो इसको उठा के यहाँ पर लेके आ जाइए, इस तरह से यहाँ पर लेके आपको आ जाइए इस तरह से। या फिर आपको छोटा बड़ा आपको बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, इसी को मैंने रिमूव करके आपको चेंज करना है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इसी को आपको चेंज करना है, इसी बैकग्राउंड का, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आप, मैं आ जाता हूँ फील पर, और यहाँ से और इसको मैंने ऊपर इस तरह से आप रख दीजिएगा, तो बैकग्राउंड आपको चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये टूल्स का उपयोग हम लोग एक कलर पर, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो आई होप दोस्तों ये मैजिक इरेजर टूल आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बैकग्राउंड इरेजर टूल के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।